जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। ये दावा खुद महबूबा मुफ्ती ने किया है। उन्होंने आज ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया है कि उन्हें घर में नजरबंद करके रखा गया है। इसके साथ ही पीडीपी चीफ ने घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला भी बोला है। दरअसल मुफ्ती ने श्रीनगर के गुप्कर इलाके में अपने आवास के बंद दरवाजों और बाहर खड़ी सीआरपीएफ की एक गाड़ी की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की संवेदनहीन नीतियों के कारण कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा, भारत सरकार अपनी संवेदनहीन नीतियों के जरिए कश्मीरी पंडितों की दशा को और बदतर बनाना चाहती है। इन नीतियों के चलते उन लोगों को निशाना बनाकर हत्या की गई जिन्होंने पलायन नहीं करने का फैसला किया। हमें अपने मुख्य दुश्मन के रूप में पेश करने की सोच के तहत मुझे आज नजरबंद करके रखा गया है। एक अन्य ट्वीट में पीडीपी चीफ ने लिखा, चोटीगाम में आज सुनील कुमार के परिवार से मिलने की मेरी कोशिशों को प्रशासन ने नाकाम कर दिया। इसी प्रशासन का दावा है कि हमें लॉक करना हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है, जबकि वे खुद घाटी के कोने कोने में जाते हैं। बता दें कि कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की 16 अगस्त को शोपिया में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। महबूबा मुफ्ती रविवार को सुनील कुमार भट्ट के परिवार से मिलने जा रही थी। बता दें कि महबूबा को पिछले 3 महीने में दूसरी बार हाउस अरेस्ट किया गया है। इससे पहले 13 मई को भी प्रशासन ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया था। उस वक्त वे बड़गाम जा रही थी। उस वक्त वे टारगेट किलिंग में मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के परिजनों से मिलने जा रही थी।